नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कहानी का पर्यायवाची आख्यान, कथा, वृत्तांत, किस्सा और इतिवृत्त होता है। पूज्य का पर्यायवाची आदरणीय, पूजनीय, माननीय, सम्मान्य और मान्यवर होता है। आलसी का पर्यायवाची सुस्त, काहिल, निकम्मा, निरुद्यमी और ठलुआ होता है। जोश का पर्यायवाची आवेश, स्फूर्ति, तेजी, चपलता और त्वरा होता है। आशीर्वाद का पर्यायवाची मंगल कामना, आशीष, आशीर्वचन होता है। प्रस्तुत का पर्यायवाची तत्पर, उद्दत, तैयार, कटिबंध और निष्पन्न होता है। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची दिलकशी, सम्मोहन, विमोहन और खिंचाव होता है। विपदा का पर्यायवाची आपत्ति, मुसीबत, आफत, विपत्ति और आपदा होता है। ध्वनि का पर्यायवाची आवाज, शब्द और स्वर होता है। ढोंग का पर्यायवाची प्रपंच, आडंबर, दिखावा, ढकोसला और सांग होता है। आश्रम का पर्यायवाची मठ, कुटी, विहार और संघ होता है। फसल का पर्यायवाची उपज, शस्य, पैदावार, खिरमन, कृषि उत्पाद होता है। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखते हैं। सुबह का पर्यायवाची प्रातः, भोर, सवेरा, भिन्नसार और विहान होता है। सेविका का पर्यायवाची परिचारिका, दाई, चेरी और नौकरानी होता है। अभिप्राय का पर्यायवाची आशय, मतलब, अर्थ और तात्पर्य और मायने होता है। भोजन का पर्यायवाची आहार, भोज सामग्री, खाना, खाद्य वस्तु और खाद्य सामग्री होता है। इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा और लिप्सा होता है। सीता का पर्यायवाची जनक सुता, जानकी, वेदाही, भूमिजा और रामप्रिया होता है। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखते हैं। सुरपति का पर्यायवाची इंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरेश और वज्रधर होता है। इंद्रधनुष का पर्यायवाची सुरचाप, शक्रचाप, सप्तकर्ण, धनु और इंद्रधनु होता है। अमरावती का पर्यायवाची देवेंद्रपुर, सुरपुर, इंद्रपुरी, इंद्रलोक और देवलोक होता है। उत्सुक का पर्यायवाची उत्कंठित, अभिलाषी, इच्छुक, आतुर और लालायित होता है। इनकार का पर्यायवाची अस्वीकृति, अनंगीकरण, प्रत्याख्यान और निषेध होता है। मनोहर का पर्यायवाची सुदर्शन, सुहावन, रुचिर, कमनीय और मनोरम होता है। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखते हैं। प्रभु का पर्यायवाची दीनानाथ, ईश, जगदीश और पारब्रह्म होता है। ईमानदारी का पर्यायवाची निष्कपटता, दशाशयता, दयनतरी, निश्चलता होता है। द्वेष का पर्यायवाची ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, मत्सर और डाह होता है। गन्ना का पर्यायवाची ईख, रसदंड, रसाल, रसद, ऊख और पेड़ी होता है। उचित का पर्यायवाची ठीक, मुनासिब, संगत, वाजिब और ठीक होता है। सुरभि का पर्यायवाची सुवास, परिमल, सुगंधित, सुवासित, सुंदर और ख्यात होता है। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखते हैं। उत्कर्ष का पर्यायवाची उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय और उठान होता है। प्रबल का पर्यायवाची उग्र, तेज, चंड, बलवान, प्रचंड और महान होता है। निर्जन का पर्यायवाची उजाड़, सुनसान, वीरान, वियाबान और बर्बाद होता है। उत्पत्ति का पर्यायवाची आविर्भाव, उद्भव, जन्म, पैदाइश और उद्गम होता है। त्योहार का पर्यायवाची जलसा, उत्सव, पर्व और समारोह और मंगल कार्य होता है। रंग का पर्यायवाची धनहीन, अकिंचन, कंगाल, दरिद्र और निर्धन होता है। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखते हैं। लालसा का पर्यायवाची उत्कंठा, चाव, उत्सुकता, आतुरता, प्रबल इच्छा होती है। उत्तम का पर्यायवाची प्रदिष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, बढ़िया और प्रवर होता है। उदार का पर्यायवाची महाशय, दरिया दिल, उदार, वदान, महामना और चेता होता है।
मुक्ति का पर्यायवाची उद्धार, मोक्षण, अपमोचन, छुटकारा और निस्तार होता है। उद्यम का पर्यायवाची पुरुषार्थ, मेहनत, श्रम, व्यवसाय और परिश्रम होता है। निर्वाण का पर्यायवाची मुक्ति, परम गति, अमृत और मोक्ष होता है। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखते हैं। तरक्की का पर्यायवाची प्रगति, उन्नति, विकास और उत्थान होता है। उपहार का पर्यायवाची भेंट, तोहफा, सौगत और डाली होता है। व्रत का पर्यायवाची निराहार, उपवास, अनशन, फांका और लंघन होता है। उपाय का पर्यायवाची जुगाड़, तरीका, ढंग, युक्ति, तरकीब और जुगत होता है। उपेक्षा का पर्यायवाची उदासीनता, विराग, तिरस्कार, विरक्ति और अवज्ञा होता है। मुग्ध का पर्यायवाची आसक्त, आकृष्ट, मोहित और लुब्ध होता है। उदाहरण का पर्यायवाची दृष्टांत, मिसाल, नजीर, नमूना और उद्धरण होता है। हर्ष का पर्यायवाची आह्लाद, उल्लास, प्रमोद, आनंद और मौज होता है। उत्साह का पर्यायवाची जोश, हौसला, साहस, उमंग होता है। निरसन का पर्यायवाची उत्सादन, उन्मूलन और अंत होता है। शीर्षस्थ का पर्यायवाची उच्च, उन्नत, उतुंग और ऊंचा होता है। ऊसर का पर्यायवाची अनुर्वर, सस्यहीन, अनुपजाऊ होता है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।